हाय, कैसे हो आप सब। तो ये हाथ में मेरे ठीक है व्यू में मैंने ये इसलिए यहाँ पे रख दी क्योंकि ये बाबर दिखाऊंगा था। तो ये मेरी वीडियो ना लाइक कम्युनिटी गाइडलाइंस के बाहर हो जाएगी, तो वो मेरे कम्युनिटी गाइडलाइंस पड़ जाएगी। उसके बाद मेरा ये मतलब ये वीडियो जो आपके पास पहुँचेगी वो पहले ही डिलीट हो जाएगी। तो ये चीज़ मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये मेरे पास वो रिज़ल्ट है, ठीक है, पेपर वाला, और ये मेरे पास ये सिम है। जब मैंने एम्बेसी में जाकर फाइल सबमिशन की बायोमेट्रिक कराई थी ना मैंने, उस समय मेरे को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी, ये सिम है इसमें अंदर। ये इसलिए दिए थे कि जब मैं कनाडा जाऊंगा तो 5 या 10 दिन पहले इसको अगर एक्टिवेट करता हूँ तो मेरे को डिस्काउंट मिलेगा इस पर। तो इसीलिए ये सिम थी मेरे पास। तो ये मतलब बाद का प्रोसेस था, जब वो पहुँचना था तब करना था, ठीक है। अभी रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा, उससे पहले कुछ चीज़ें बताऊँगा मैंने मेरे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। तो पहले मैंने जब फाइल अप्लाई की तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने लगा दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बायोमेट्रिकली जब मैं खुद गया वहाँ पे मैंने फ़ोटो की, कुछ नहीं हुआ कोई वो तो आपको पता है, एक्सपीरियंस होगा तो मेरे को भी है, तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वीज़ा मैंने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फाइल का आपको पता ही है, मैंने आइटनरी बनाई थी। ये आइटनरी में लिखा हुआ था कि मैंने डे बाय डे क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट डे मैं क्या करूँगा, सेकंड डे मैं क्या करूँगा, सेवन डे मैं क्या करूँगा। सिंपल सा होता है कि जैसे आपने होटल स्टे करो तो उसका आइटनरी में फिल कर दो। सेकंड डे क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, अगर आप किसी म्यूज़ियम में जा रहे हो कनाडा के किसी के, उसका ऐड कर दो आइटनरी में। तो मैंने देखा कि आइटनरी बनानी बहुत आसान है, आइटनरी का बस 7 डे का पीरियड लगा दो जब तक आपने वहाँ पे रहना है या वापस आना है। और मेरी होटल बुकिंग थी, होटल बुकिंग का भी मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, होटल बुकिंग कहाँ की थी मैंने, तो अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। सो उसके बाद होटल बुकिंग का किया था मैंने आइटनरी, ठीक है। मेरा स्पॉन्सर कोई नहीं था इसीलिए मेरे को होटल बुकिंग करनी पड़ी, ठीक है, ये बात, ठीक है। उसके बाद मेरे को और तो नहीं है बाकी, चलो मैं रिज़ल्ट पे आता हूँ। मेरा रिज़ल्ट जो आया ना, मेरे को कम से कम 35 डेज के बाद मेरे को रिज़ल्ट मिला है। तो रिज़ल्ट में मेरी रिफ्यूज़ल आई है, ठीक है। तो रिफ्यूज़ल का कारण उन्होंने यही बोला बीच में, वो एक फुल फॉर्म लिखी हुई है IRCA पर नहीं ऐसे लिखी हुई है, उसका मतलब है रिफ्यूज़ी, ऐसे कोई उनका लॉ है वो लिखा हुआ है कि आप वापस नहीं आओगे, ये रीज़न दिया। और मैंने कुछ पेमेंट कराई थी, बैंक शो पेमेंट भी शो कराई थी, ठीक है, मैंने उसमें, ठीक है, मतलब फाइल में लगाने के पहले उसमें मतलब मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कराई, मैंने अपने रिफंड किसी और की शो कराई, ठीक है, और प्रॉपर्टी भी किसी और की शो कराई। तो मे बी ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो बाकी मैंने अपना क्या कहते हैं फाइल में ये भी ऐड किया था कि मेरा काम है, ठीक है, वो भी किया था, सारा कुछ किया हुआ था, ठीक है। बाकी फिर भी रिफ्यूज़ल आ गई, वो तो चलो पता नहीं क्या बात है, बाकी पता है आपको सब। बाकी रिफ्यूज़ल आ गई, अभी अगली बार देखना पड़ेगा फिर से क्या करूँ क्या नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। सो अभी यही कह सकता हूँ कि अभी रिफ्यूज़ल आई है तो अभी तो मेरे को कुछ समझ नहीं लग रही। बाकी का रिज़ल्ट शायद कुछ वीडियो सर्च करनी पड़ी, अभी तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता 6 महीने के लिए। मैं कह सकता हूँ कि 6 महीने के लिए अभी मैं कनाडा का अप्लाई नहीं कर सकता, बाकी अभी रिफ्यूज़ल है। तो कोई आपको भी अपडेट हो तो मेरे को भी बता देना कनाडा का कैसे अप्लाई होता है, कैसे मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी मेरे पास तो मैं यही बता सकता हूँ, ओके। तो कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मेरे को भी बता देना, ओके, बाय।